फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है गोभी यानी कॉलीफ्लावर का प्लांट। इसमें छोटा सा कोरिएंडर का प्लांट भी है। ये डकवीड है, ये मनी प्लांट है। फ्रेंड्स, ये गोभी और कोरिएंडर का प्लांट मैंने कुछ दिनों तक पानी में रखा है, फिर मैं इसे मिट्टी में लगा दूंगा। और फिर ये जो है मेरा, ये सदाबहार का प्लांट है यानी विन का। इसका पर्पल टाइप का कलर का फ्लावर है। और ये जो प्लांट है, ये वाला, ये मैंने नर्सरी से एक छोटा सा डाल लाया था कट करके, उसके बाद मैंने मिट्टी में लगा दिया और ये ग्रो हो गया। इसका फ्लावर बहुत अच्छा था इसलिए, और ये ग्रो हो गया। फिर ये है ये है क्रिश्चियन थीमामस यानी गुलदाबदी का प्लांट। इसमें रेड कलर का फ्लावर है, और ये है यॉर्कशायर मिल्ली प्लांट का कटिंग, जिसे मैंने लाया था डाल यहाँ पास से। यहाँ पे एक पास में घर है, उनसे मैंने मांग के छोटा सा डाल लाया था, तो इसे मैंने लगा दिया है। जब इसका रूट आ जाएगा तब मैं इसे बड़े से बैग, प्लास्टिक बैग या फिर गमले में शिफ्ट कर दूँगा। फिर इतना ही। और अब मेरे पास है कुछ एक्वेटिक प्लांट्स। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है ये वाटर हाइसिंथ, और ये है वाटर लिली, और ये वाला है वाटर कैबेज, और ये है सिंघाड़ा। ये सिंघाड़ा है फ्रेंड्स, वाटर चेस्टनट, वाटर कैलीड्रॉप, और ये है वाटर लिली का फ्लावर जो अच्छे से ब्लूम नहीं कर रहा है। इसका फ्लावर दो दिन से ब्लूम ऐसे नहीं कर रहा, हल्का सा बस फ्लावर खुल जाता है, फिर वो बंद हो जाता है, वो अच्छे से ब्लूम नहीं कर रहा है। तो यही है प्लांट्स मेरा वाटर लिली का। अभी इसमें पर्पल कलर का फ्लावर है, ठंड की वजह से ये ब्लूम नहीं कर रहा है। ये 2 दिन से हल्का खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। ये मैंने हल्का सा अपने हाथ से ओपन किया है, ये अपने से नहीं खिला है। तो ये थोड़ा सा मैंने ओपन किया है बस इसे, क्योंकि ये अपने से नहीं खिल रहा है ठंड की वजह से। तो अब जब बरसात आएगा यानी मानसून सीज़न, तब ये खिल जाएगा, या कुछ दिनों में खिल जाए, आई डोंट नो। और ये एक अननोन वाटर प्लांट है। और इतना ही। और इस टब में मेरे पास फिशेस भी हैं, और मेरे सिंघाड़ा के प्लांट में फल आ गया, छोटा सा फल है बहुत। मैं सिंघाड़ा के प्लांट में फल आ गया और उसमें फिशेस हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में।